बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर स्थित कुशल वाटिका प्रांगण में 5 दिवसीय महापूजन के कार्यक्रम का आगाज सोमवार को हुआ। प्रथम दिन सोमवार को मुनि सुव्रत स्वामी महापूजन से 5 दिवसीय कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। महापूजन के दौरान महिलाएं, पुरुष और लाभार्थी परिवार झूमते नजर आए। ये महापूजन 16 सितम्बर तक चलेगा। बाड़मेर अहमदाबाद रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर स्थित कुशल वाटिका प्रांगण में सोमवार को 5 दिवसीय महापूजन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिन सोमवार को मुनि सुव्रत स्वामी महापूजन से 5 दिवसीय कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। कुशल वाटिका ट्रस्ट के महामंत्री मांगीलाल मालू सूरत व कोषाध्यक्ष बाबूलाल टी बोथरा के मुताबिक कुशल वाटिका प्रांगण में चातुर्मास में विराजित डॉक्टर विद्युत प्रभा की पावन प्रेरणा से साध्वी रतनमाला, मुनि मेघ रत्न सागर व अन्य साधु साध्वी वृंद की पावन निश्रा में कुशल वाटिका में 5 दिवसीय महापूजन का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को मुनि सुव्रत स्वामी महापूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापूजन के प्रथम दिन शुभारंभ में मुनि सुव्रत स्वामी के महापूजन भक्ति के माध्यम से विधि कारक अरविंद भाई इंदौर द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से करवाया गया। महापूजन में महिलाओं और पुरुषों सहित लाभार्थी परिवार झूम उठे। मुनि सुव्रत स्वामी महापूजन का लाभ सिंघवी मांगीलाल आसूलाल मालू चौटन वाले हाल सूरत द्वारा लिया गया। इस महापूजन पंचाचिनिका महोत्सव में भाग लेने के लिए शहर से सैकड़ों जैन बंधु कुशल वाटिका पहुंचे। कार्यक्रम के समापन के बाद भगवान की आरती और मंगल दीपक का लाभ विमला देवी मांगीलाल मालू ने लिया। महापूजन में कुशल वाटिका जाने के लिए शहर के कई जगहों से बसों का संचालन किया गया। महापूजन के कार्यक्रम में जिन कुशलश्वरी सेवाश्रम ट्रस्ट कुशल वाटिका के युग के एम पी के बी पी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। कुशल वाटिका में 5 दिवसीय महापूजन के तहत मंगलवार को कल्याण मंदिर मंडल महापूजन पार्ट 1 का आयोजन होगा। इस धार्मिक आयोजन का लाभ बाबूलाल भोरचंद लूणिया अहमदाबाद द्वारा लिया गया। बाड़मेर में पहली बार ऐसे 5 दिवसीय महापूजन का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन महापूजन के कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। महापूजन को लेकर कुशल वाटिका को आकर्षक तोरण द्वार व फूल पताओं से सजाया गया।